रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि अप्रैल महीने में स्नोफॉल हो रहा है मनाली के मॉल रोड पर। तो देखिए जन्नत जैसे नज़ारे और साथ में लेटेस्ट अपडेट। यदि आप यहाँ घूमना चाहते हैं मनाली या हिमाचल प्रदेश तो आपके काम आने वाले हैं। रेनबो सेवन चैनल आपसे करबद्ध निवेदन करता है कि बेवजह घर से ना निकले और बेवजह यात्रा ना करें। जब आवश्यक हो तभी ही यात्रा कीजिएगा। इस वीडियो का आनंद लेते हुए आप 5 बिंदु पर इस में चर्चा करूंगा। COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या नहीं, लेटेस्ट बात कर रहा हूं। लॉकडाउन लगेगा या नहीं, नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं, स्नोफॉल कहाँ कहाँ हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी चर्चा होगी। तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आप घर बैठे स्नोफॉल और जन्नत जैसे नज़ारे इस चैनल के माध्यम से टूरिज्म से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके इनपुट यदि सकारात्मक आएंगे, चैनल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, अच्छा कमेंट प्राप्त होंगे, तो नहीं तो हम भी लॉकडाउन कर सकते हैं, ये विचार चल रहा है। तो लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में जो फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अनुसार लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि 26% जो GDP का है वो टूरिस्ट या टूरिज्म सेक्टर से आता है। इसलिए इस जो लॉकडाउन की स्थिति में हिमाचल प्रदेश नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं समय के साथ यदि ज़रूरी हुआ तो। तो पहले हालातों को देखते हुए हिमाचल ने कहा है कि बंदी से लगाई जा सकती है। और आपको बता देवे कि जो DC है यानी उपायुक्त है उनको चार्ज दिया गया, उनको पावर दिए गए हैं कि वो अपना कर्फ्यू लगा सकता है, धारा 144 लगा सकता है। तो ये स्थिति होगी हिमाचल प्रदेश में। जो मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर है उनकी मीटिंग के अंदर निकल कर आई है, यानी कि जो DC है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर धारा 144 या नाइट कर्फ्यू वो सब उन पर ही छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री या कैबिनेट उनकी सलाह के आधार पर यह फैसला होगा। तो अब बात करें हम कि स्नोफॉल कहाँ कहाँ हुआ है। तो स्नोफॉल किन्नौर के अंदर अच्छा स्नोफॉल हुआ है। लाहौल स्पीति का मैंने वीडियो अपने फेसबुक पेज पर कल ही डाला था, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था वहाँ। और मनाली के अंदर आप सामने देख रहे हैं मॉल रोड पर, जो मई यानी कि लास्ट अप्रैल मंथ में नहीं होता है, रोहतांग पास पर तो होता रहता है लेकिन मॉल रोड पर नहीं होता है। ऐसा नज़ारा काफ़ी सालों के बाद देखा है। नारकंडा, कुफरी और खड़ा पत्थर शिमला के अंदर भी ऊपरी भागों में स्नोफॉल के हमें समाचार प्राप्त हुए हैं। यदि आप हिमाचल में हैं तो आप स्नोफॉल देखा तो ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा, और जो स्थानीय निवासी है वो भी बता सकते हैं कि स्नोफॉल कहाँ कहाँ हुआ है। इसके अलावा रल्ली नामक जो स्थान है NH5, वहाँ किन्नौर जाने वाले पर एक थोड़ा सा हिमखंड है यानी कि एवालांच की वजह से थोड़ा सा बंद हो गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। और मंदिर के संबंध में मंदिर आज से बंद है, ये हिमाचल कैबिनेट का फैसला है और ये आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं तो बाहर से मंदिर के दर्शन करके जा रहे हैं और पुजारी अंदर से पूजा कर सकेगा, और बाकी के लिए दर्शनार्थ मंदिरों को बंद कर दिया गया इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए। COVID-19 रिपोर्ट के संबंध में बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 72 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट हिमाचल गवर्नमेंट ने आवश्यक नहीं रखा है, केवल एडवाइजरी जारी की है कि लेकर आए। लेकिन मेरा सलाह रहेगा, पहले सुन लीजिए कि कुछ जो ग्राम पंचायत है उन्होंने कोविड जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो ज़रूरी कर दी है, होटल्स वाले मांग रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जब भी यात्रा करें, क्योंकि सीधे डायरेक्ट तो हिमाचल आएंगे नहीं, कई प्रदेशों को लांगते हुए आएंगे तो वहाँ कोविड रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसलिए आप कोविड रिपोर्ट यदि आ रहे हैं तो ज़रूर लेके आइएगा, ये मेरा निवेदन है। और जैसे कुल्लू की जो जा
पंचायत है वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं, कुछ होटल्स भी नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि आप ज़रूर लेकर आइएगा 70 आवर्स की, और उसके अंदर इंटर हो जाना चाहिए और साथ में RT-PCR का टेस्ट होना चाहिए, रैपिड वाला नहीं। तो नाइट कर्फ्यू के संदर्भ में फ़िलहाल ज़्यादा कुछ जानकारी मेरे को नहीं है, क्योंकि ये DC पर दिया गया, अलग अलग DC फैसला करेंगे तो उसकी सूचना आपको मैं देता रहूँगा। आप रेनबो 7 टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लास्ट में ईमेल दिया गया है, पैकेज और टैक्सी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा उत्साहवर्धन के लिए अच्छा कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए घर बैठे हिमाचल दर्शन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।